हरियाणा नगरी के शहर उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के समर्थकों के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया गया। लोगों ने इस मौके पर उनकी लंबी आयु की मंगल कामनाएं की, साथ ही गरीबों को भोजन वितरित किया गया। बहुत ही सामान्य तरीके से उनके समर्थकों के द्वारा जन्मदिन मनाया गया। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा, पीएम मोदी द्वारा जो राम मंदिर का भूमि पूजन जो 5 दिन बाद है, उससे अच्छा तोहफा जन्मदिन का नहीं मिल सकता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक ने कई उदाहरण देते हुए उनके बयान को गलत ठहराया। आइए सुनाते हैं क्या कहा बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने। सर, पहले तो आपको जन्मदिन की वर्ल्ड मीडिया टाइम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों? और देखिए, सबसे पहले तो शायद मैं कहूँगा कि जो 5 तारीख को माननीय मोदी जी द्वारा राम मंदिर का शिलान्यास है, उससे अच्छा तोहफा शायद जन्मदिन का इस बार का मेरा नहीं हो सकता था। और ये बहुत खुशी हो रही है सोच के कि मेरे जन्मदिन से 5 दिन बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं ये मैसेज ज़रूर कहूँगा लोगों को कि जिस तरीके से अयोध्या भारी मात्रा में लोग दिल से जाना चाहते थे लेकिन कोई जा नहीं पा रहा है क्योंकि कोरोना है, इसी तरीके आप देख रहे हैं कि ये बकरीद का भी वक्त है और हज पे भी जो हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं बकरीद के समय, वो भी बहुत लिमिटेड इस बार हज का कार्यक्रम हो रहा है। तो जब ये ऐसे सर्कमस्टेंस हैं कोरोना के, कोविड के, कि हम लोगों को सबको केयरफुल रहना है। जो मैं देखता हूँ लोग चाय की दुकानों पे और पान की दुकानों पे ऐसे ही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वो चीज़ अवॉइड करिए। जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग की इम्यूनिटी भारतीयों की इतनी हाई होती है कि हम लोग दुनिया के अन्य देशों से अभी तक बेहतर लड़े हैं। अगर मोर्टेलिटी देखा जाए, केसेस की संख्या जरूर हमारी ज़्यादा है क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, अमेरिका के 4 गुना साइज़ की हमारी आबादी है, लेकिन हमारी मोर्टेलिटी बहुत कम है, 2.5% का राष्ट्रीय एवरेज है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी हम लोग को अभी तक बचा रही है और आगे भी ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी, श्री राम की कृपा हम लोग पर बनी रहेगी और हम लोग इससे और मजबूत निकल कर बाहर आएंगे। मैं सभी आपके व्यूअर्स को जो राफेल हमारे नए लड़ाकू विमान आए हैं उसकी बधाई दूंगा अपने जन्मदिन पे, जो राम मंदिर हम लोग का बन रहा है, सपना पूरा हो रहा है, उसकी बधाई दूंगा, जो बकरीद आ रही है उसकी मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। और सभी लोगों को ये कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि जितने भी कोरोना के लिए हम लोगों को सब एहतियात रखने हैं उनको रखिए और हिम्मत रखिए, हम होंगे कामयाब। एक सवाल और माननीय विधायक जी, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल उठाया है प्रधानमंत्री को लेके कि क्या उनको प्रधानमंत्री होते हुए वहाँ शिलान्यास करना चाहिए? देखिए, ये तो इसके तो बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं, कहते हैं कि राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं, हम लोग को विधानसभा में भी सिखाया जाता है कि राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं पहले कानून, राजनीतिक आदमी का जाना, इसकी तो कई परंपराएं हैं। जब आज़ादी के बाद हजारों साल बाद सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाया गया तो राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सरदार पटेल पहले होम मिनिस्टर थे, वो दोनों गए थे। उसी तरीके आपने देखा कि आया सोफिया, जो एक मुस्लिम देश की, मुस्लिम समाज की और क्रिश्चियंस के बीच की बहुत बड़ा डिस्प्यूट का पॉइंट रहा है, जिस तरीके से हमारे यहाँ भारत में अयोध्या मुद्दा कंट्रोवर्सी में रहा, उसी तरीके वर्ल्ड स्तर पे आया सोफिया रहा। लेकिन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्डोगान, वो उन्होंने पहली नमाज वहाँ पे पढ़ी जब हजारों साल, जब 50-60 साल के बाद फिर से म्यूजियम से आया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने पहली नमाज वहाँ पे पढ़ी। तो इसलिए इसके तो बहुत से प्रेसिडेंट्स हैं। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि जो राजनीति में पहले कानून होता है, दूसरी बात नंबर पर परंपरा होती है। तो यहाँ पे कोई कानून की तो बात है नहीं, लेकिन परंपरा जैसे कि मैंने बताया पहले भी रही है। तो मेरे हिसाब से इतनी महत्वपूर्ण घटना जिससे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में विरोधी देश हम लोग के बीच में डिवाइड कर रहे थे, वो मुद्दा ही खत्म हो गया, इतने ऐतिहासिक चीज पर भारत के प्रधानमंत्री को जरूर रहना चाहिए। मेरे हिसाब से ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।